Welcome to the club. कैसे हो आप लोग, अच्छे हो ना? आरंभकुल इस कार्यक्रम में आप सब से मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। कौन हो आप लोग? आप लोग यीशु पिता के भविष्यवक्ता हो। यूएल के दूसरे अध्याय 28वें वचन के अनुसार भविष्यवक्ता का अभिषेक आप में है, तो आप सबको प्रभु के शब्द की भविष्यवाणी करनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है? क्या आप अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो, अच्छे से बाइबल पढ़ रहे हो? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और आराधना करना आपकी मदद करेगा प्रभु के रहस्य जानने में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक है, आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह की भविष्यवाणी आपको करनी है और किस लिए आपको भविष्यवाणी करनी है। और उसके लिए हम देखने वाले एक शो, कौन सा शो? आपका पसंदीदा पपेट शो। यीशु पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। यीशु पिता, मैं समझती हूँ उन भविष्यवाणियों को जो आप मुझे कहते हैं और सबको जो आप मुझे उजागर करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे कहना है। मुझे बहुत डर लग रहा है यीशु पिता, जब मैं भविष्यवाणी करती हूँ मुझे नहीं पता क्या वो होगी कि नहीं होगी। यीशु पिता मेरी मदद कीजिए, मैं इस दुनिया से बहुत डरती हूँ। यीशु पिता, क्या अगर मैंने भविष्यवाणी की और वो नहीं हुई, वो मुझे डांटेंगे और मुझे मारेंगे? यीशु पिता मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए यीशु पिता, मदद कीजिए यीशु पिता। छोटी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं हूँ प्रभु का भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता हो आप? हाँ, मैं हूँ प्रभु का भविष्यवक्ता। तुम्हारे रोने की आवाज प्रभु तक पहुँच चुकी है। मैं बहुत डरी हुई हूँ भविष्यवाणी करने के लिए, और सिर्फ वही नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं जो कह रही हूँ सच है या नहीं। इसीलिए मैं प्रभु से पूछ रही हूँ। तुम डरो मत, घबराओ मत, प्रभु तुम्हारे साथ है बच्ची। तुम भविष्यवाणी करने में बिल्कुल भी डरो मत मेरी बच्ची। प्रभु ने मुझे आज भेजा है तुम्हें अपनी सलाह देने के लिए मेरी बच्ची। यीशु पिता की सलाह? हाँ, तुम प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करने में आखिर क्यों घबरा रही हो, इस बात को प्रभु समझ चुके हैं। तुम सोच रही हो कि जो भी भविष्यवाणी के वचन प्रभु के द्वारा तुम तक आते हैं वो पूर्ण होंगे कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ना? आप तो बिल्कुल सच कह रहे हो। छोटी बच्ची, भविष्यवाणी के वचन किसी भी समय में मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं। प्रभु के पवित्र मनुष्य पवित्र आत्मा के अनुसार ही प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करते हैं। तो पवित्र आत्मा
मुझे जिस तरह बताएगी मैं उस हिसाब से भविष्यवाणी करूंगी। हाँ बिल्कुल, सभी जो भविष्यवाणी के वचन हैं, वो प्रभु की इच्छा से भरे होते हैं और पवित्र आत्मा उनकी सहायता करती है भविष्यवाणी करने में प्रभु की इच्छा के अनुसार। मेरी बच्ची समझी ना? तो मुझे बिना डरे सब सच सच कहना है ना? हाँ, बाइबल में ऐसी कोई भी भविष्यवाणी नहीं है जो मनुष्य ने अपने खुद के विचार से की हो। सभी भविष्यवाणियों में प्रभु की इच्छा होती है और वो भविष्यवाणी पृथ्वी पर जाकर पूर्ण होती है। अब मैं समझी आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, आज से ही तुम प्रभु के द्वारा दी गई भविष्यवाणी के वचनों की भविष्यवाणी करोगी, ठीक है? ये तुम्हारे खुद के विचार नहीं हैं, बल्कि ये प्रभु के इच्छाओं से भरे हुए भविष्यवाणी के वचन हैं मेरी बच्ची। ठीक है, मैं अच्छी रहूंगी और अच्छे से प्रार्थना करूंगी और मैं भविष्यवाणी भी अच्छे से करूंगी। हाँ, और इसके लिए तुम्हें अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना होगा और पहले से अधिक बाइबल पढ़नी होगी, क्योंकि तुम्हारे भविष्यवाणी के वचनों में प्रभु के वचन भी समाहित होने चाहिए। और इसीलिए आपने मुझे बाइबल ज्यादा पढ़ने के लिए कहा ना? हाँ, बाइबल के वचन तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। अब मुझे समझ में आया, अब मैं नहीं रहूंगी और ना ही डरूंगी, मैं निर्भय होकर भविष्यवाणी करूंगी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि तुम प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने वाली हो और भविष्यवाणी करने वाली हो। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद माननीय भविष्यवक्ता जी। भविष्यवक्ता तो गायब हो गए। हाँ ठीक है, अभी मुझे समझ में आया कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं। पता है भविष्यवाणी कैसे करते हैं? पहले परिवार के बारे में, फिर चर्च के बारे में भविष्यवाणी करनी है और उसके बाद सेवकाई के बारे में भविष्यवाणी करनी है और उसके बाद पृथ्वी के नाश होने के बारे में भविष्यवाणी करनी है। हाँ, और उसके बाद यीशु पिता के आने के बारे में भविष्यवाणी करनी है। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि हर चीज के बारे में भविष्यवाणी करनी चाहिए। अब मुझे सब स्पष्ट हो गया। जैसे भविष्यवक्ता ने कहा कि मुझे प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है अच्छी तरह से और भविष्यवाणी करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ ठीक है, चलो मैं जाके प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने पपेट शो देखा? अब आप लोग सोच रहे हो ना कि हाँ, यीशु पिता ने हमें ये उजागर किया है और किस किस तरह की भविष्यवाणी हमें करनी चाहिए, ये समझा आपने। उस आधार पर कि प्रभु आपसे क्या उजागर करते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए कि किस तरह की भविष्यवाणी आपको करनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। चलो हम शो देखें। अब पर अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो ना? बचनों को पढ़कर उनको याद कर रहे हो ना? ठीक है, एंजल आपको कितने वचन याद है? 5 वचन आंटी। क्या तुम हमें वो सुना सकती हो? भजन संहिता 1:1, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उनकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वो जो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाए जाते, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। तुम तो एक कहने वाली थी पर तुमने 5 वचन सुना। हाँ आंटी, ये तुम्हारे दिल में बहुत गहरा छपा हुआ है, इसलिए तुमने बिजली की रफ्तार में इसे सुना दिया। देखा आपने, आपको वचनों को इसी तरह से याद करना है।
बाइबल को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको ये वचनों को अपने दिल से याद करना है, चाहे तुम खड़े रहो, बैठो, बात करो या चलो, हाँ अच्छे से याद करना है ताकि ये वचन तुमसे बात करे, ठीक है ना। तो ये जो वचन तुमने सुनाया, क्या वो सोच के सुनाया था? नहीं आंटी, शुरुआत की और तेजी से खत्म भी कर दिया। उसके बाद वचन जो है ना, वो आपसे बात करने लगेंगे, धीरे धीरे बात करने लगेंगे। जब आप वचन को कहने लगते हो, वो अपने आप आपके मन से आएगा और आप सब कुछ बोल सकोगे। तो हर बार जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, आपको याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है और उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ठीक है, क्या आप में से किसी ने भी यीशु पिता के प्रेम को चखा है? क्या चखा है तुमने जुलियाना? मैं ना बहुत बार ना आंटी मुसीबतों से घिरी हुई होती हूँ, तो मैं जब प्रभु की मदद मांगती हूँ तो वो मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति होती तो मैं मदद नहीं मांगती, लेकिन तब भी प्रभु मेरी सब मुश्किल को हल करते हैं। इसी तरह मैंने उनका प्रेम चखा है। तो इस उम्र में कौन सी मुश्किल का सामना कर रही हो तुम? अगर मेरी ना मेरी कोई गलती ना हो, अगर मैंने कुछ ना भी किया हो ना, तो भी दूसरे लोग टीचर को मेरे बारे में शिकायत करते हैं आंटी, ऐसा होता है। तो जो गलती आप नहीं करते हो, उसका भी इल्जाम वो लगाते हैं ना। हाँ, तो जब आप कष्ट में हो तो तुम्हें लगता है कि यीशु पिता तुम्हें सांत्वना देते हैं, ऐसा लगता है ना, सांत्वना देते हैं ना। ठीक हाँ, है, इसी तरह से हमें हर दिन यीशु पिता के प्रेम को महसूस करना है, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो क्या अब हम पढ़ें दूसरे पत्रस की किताब से पहला अध्याय और 20वां और 21वां वचन? पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखा आपने, यहाँ पवित्र आत्मा ने स्पष्टता से लिखा है कि यदि आप वो भविष्यवाणियां पढ़ते हैं जो बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने की है, वो उनके खुद के लाभ के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम देखना चाहें कि भविष्यवाणियां किस पे आधारित हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये भविष्यवाणियां प्रभु के राज्य के विषय में, उनके आने के विषय में, लोगों के पापों की निंदा के विषय में, या फिर लोगों को प्रभु की तरफ ले जाने के विषय में होती हैं। और इसी तरह से जो पवित्र भविष्यवक्ता होते हैं, वो भविष्यवाणी सुनाते हैं। और उदाहरण लिया जाए तो एलिया भविष्यवक्ता, उनकी सारी भविष्यवाणियां तथा उनके चुनौती के कार्य लोगों को बाल की आराधना से दूर ले जाते हुए एक सच्चे प्रभु की आराधना की तरफ ले जाती है, ऐसी होती है उनकी भविष्यवाणियां। और इसी तरह से मूसा की भविष्यवाणियां जो होती थी, वो लोगों को मार्ग दिखाती थी। उनकी भविष्यवाणियों में प्रभु के चमत्कार दिखाते थे और उनकी भविष्यवाणियां कहती थी कि प्रभु है और प्रभु के हिसाब से चलो, उनके नियमों के हिसाब से चलो, उनका भय रखो, और उनको वो प्रभु के चमत्कारों के बारे में भी दिखाते थे, ऐसा दिखाते थे। बहुत से भविष्यवक्ता थे जो लोगों की उनके पापों के लिए निंदा करते थे, ऐसी भविष्यवाणी करते थे, मसीहा के जन्म के बारे में भविष्यवाणी करते थे, उनका मनुष्य के बेटे की तरह जन्म और एक मेमने की तरह उनका वध होना हमारे पापों के लिए। यशायाह की किताब में नहीं लिखा ये सब? तो इनकी भविष्यवाणियां उनके खुद के लाभ के लिए नहीं होती थी, उनकी भविष्यवाणी प्रभु के विषय में होती थी, उनके राज्य के विषय में होती थी, स्वर्गलोक के विषय में होती थी और लोगों को प्रभु तक लाने के विषय में होती थी, ठीक है ना। वो अपनी सूझबूझ से नहीं बात करते थे। यहाँ ऐसा ही लिखा है कि भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं आती थी, पर प्रभु के पवित्र लोग इस तरह से बात करते थे जैसे जैसे पवित्र आत्मा उन्हें बताती थी। तो प्रभु यदि आपके द्वारा बात करना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा आपको अंदर से प्रेरित करेगी कि कुछ चीजें बतानी है, कुछ लोगों को कुछ चीजें बतानी है, ऐसा कहेगी आपको, इस गुट को ये बातें समझानी है। किस चीज के लिए? प्रभु के आगमन का मार्ग तैयार करने के लिए, क्योंकि वो पाप में है, ताकि वो पश्चाताप कर सके। प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी बहुत जरूरी है, समझ गए ना आप लोग? तो आप लोग क्या करोगे तब? अरे रे, तब आप सोचोगे क्या कि प्रभु बोले या शैतान बोला, या फिर वो आपकी अपनी सोच है? क्या करोगी तुम जुलियाना? मैं उनसे कह दूंगी। निर्भय होकर कह दोगी?
तो जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करती है, अंदर से प्रेरित करती है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये आदत आपको एक दिन में पड़ जाएगी? नहीं, क्योंकि हर एक दिन पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। एक एक दिन रोज रोज आपको तैयार करेगी, आप उनकी आवाज समझ पाओगे, प्रभु की आवाज समझ पाओगे। हाँ, प्रभु आपके अंदर एक विचार डालेंगे, वो आपको सिखाएंगे कि पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर रही है। प्रेरित होने का मतलब क्या है? सक्रिय होना, ठीक है ना। जैसे कि रिमोट कंट्रोल, आप सबके घर में रिमोट कंट्रोल है ना, तो जैसे ही आप पावर बटन को दबाते हो टीवी ऑन हो जाता है। कोई चैनल आपको बोरिंग लगता है, आप उसे बदलना चाहते हो, तो क्या आप टीवी को ऐसे देखते रहोगे वो अपने आप बदल जाएगा क्या? आपको क्या करना होगा? रिमोट उठाकर बटन दबाकर चैनल को बदलना होगा। तो आप टीवी का संचालन कर रहे हैं रिमोट के द्वारा, इस तरह से बटन दबाकर। तो इसी तरह से आपके अंदर की पवित्र आत्मा आपको सक्रिय करेगी, प्रेरित करेगी। जूली, जैकलिन, आपको अपना मुंह खोलकर बात करनी है, आपको बैठकर प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। और जब आप बैठ के प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा प्रेरित करेगी आपको, वो आपको सक्रिय करेगी। तो आप छोटे बच्चों को उसे सही तरह से पहचानना है कि पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने कह रही है, कि ये आपका प्रार्थना का समय है और आपको शब्दों का ध्यान करना है। जब मैं छोटी लड़की थी मेरे स्कूल के दिनों के दौरान, तब पवित्र आत्मा प्रार्थना के दौरान मुझसे कहती थी कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे अध्याय पढ़ती रहती और प्रभु हर वचन द्वारा मुझसे बात करते और प्रभु मुझे एक ही वचन को 20 से 30 बार पढ़ते रहने को कहते कि ये वचन को बार बार पढ़ो। और उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने आप लोगों को प्रेरणा के बारे में बताया था ना, बस वही है। प्रभु आपको प्रेरित करते, आपको कहते कि कुछ करो, ये वचन बार बार पढ़ो या धीरे से पढ़ो दूसरी बार। तो इसी तरह से मेरे बचपन में प्रभु मुझे प्रेरित किया करते थे। जब आप एक वचन पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें उजागर होती है, वो उस वचन से जुड़ी हुई चीजें उजागर करेंगे कि वो पृथ्वी को हमारे द्वारा क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे द्वारा, ठीक है ना। तो ये इच्छा हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए और आपको ये निर्णय ले लेना चाहिए, प्रभु के शब्द को सुनना चाहिए, भविष्यवाणी करनी चाहिए। आप साधारण बच्चे नहीं हो, आप प्रभु के भविष्यवक्ता हो, ठीक है ना। तो आज के बाद आप इसी तरह प्रार्थना करोगे, इसी तरह शब्द को पढ़ोगे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समर्पित हो जाओगे। दोस्तों, आप लोगों ने शो देखा ना, आपने बाइबल के वचन लिख लिए ना, यीशु पिता आपको जो उजागर करेंगे वो किस चीज पे निर्भर है ये भी पता चल गया ना। पुरानी और नई नियम की पुस्तक के कोई भी भविष्यवक्ता को देखोगे तो उन सब ने प्रभु के राज्य की और उनके आगमन के बारे में ही भविष्यवाणी की होगी। पुराने नियमों के दिनों में भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के आने के बारे में कहा होगा, मनुष्य के बेटे के जन्म के बारे में और प्रभु के राज्य के बारे में कहा होगा। एलिय्याह भविष्यवक्ता को देखोगे तो उन्होंने कहा होगा कि प्रभु ही सच्चे प्रभु हैं और बहुत सारे भविष्यवाणी के चिन्ह दिखाए होंगे। अगर आप सब भविष्यवक्ताओं को देखोगे जिनको सिखाया है पवित्र आत्मा ने, सबसे मुख्य वस्तु जो उन्होंने कही है वो ये है कि प्रभु का आगमन होगा और स्वर्ग लोक के राज्य के बारे में भी कहा है। बहुत सारी भविष्यवाणियां ये कहती है कि प्रभु का आगमन होगा और हमें उसकी तैयारी कैसी करनी है। तो जिन सब बच्चों में भविष्यवक्ता का अभिषेक है, प्रभु इसी तरह से उन सब को चीजें उजागर करेंगे। समझ गए ना, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगी, आपको भविष्यवाणी करनी है भविष्यवक्ता के शब्दों की, बहुत से लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना है, आपको पाप की निंदा करनी है, न्याय के बारे में कहना है, पृथ्वी के बहुत सारे रहस्य और नाश जो होने वाले हैं वो प्रभु आपको भविष्यवाणी के द्वारा बताएंगे। आप अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक के द्वारा निर्भय होकर ये सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके लिए हम अब प्रार्थना करेंगे। क्या हम सब प्रार्थना करें?
दोस्तों हम अब प्रार्थना करने वाले हैं और आपके दोस्त भी यहाँ तैयार हैं। क्या आप सबने घुटने टेके हैं इनकी तरह? हम सब अब प्रार्थना करेंगे क्योंकि आपके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक है। जब हम प्रार्थना करेंगे यीशु पिता आपसे बात करेंगे और हम सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले हैं। यदि आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी नहीं आती कोई बात नहीं, आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। जरूर प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे और आप उनकी आवाज सुन पाओगे। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक बच्चा अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करे। ओला बारा शेखे रे बारा बारा शीरे बारा बारा खरा खरा बारा शेरे बाला बारा बारा रा ओरी खीरी बारा 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 शेरी बारा बारा खेरे खेरे बारा बारा शेरी। योएल का 2:28 का भविष्यवक्ता का अभिषेक हर एक बच्चे में काम करे। राबारा शेखे रे बाबा, प्रभु आपका अभिषेक ज्वलंत रहे। प्रभु अभिषेक ज्वलंत रहे हर बच्चे में। प्रभु रोरी भी शिखीरी बाबा शेरे बाबा पापा बारा बारा खारा बारा खारा। हर एक बच्चा अपने आप को समर्पित कर दे और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाए। उनका भविष्यवक्ता का अभिषेक आपके अंदर काम करे। रबरा शेख खेरे बाबा पास शेख खेरे रबरा पूरी बाबा पास शेख खेरे। छोड़ दो जो आप कर रहे हो। जो सब बच्चे इस समय टीवी के सामने हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रभु आपका सम्मान करेंगे। रबा शेख खेरे बाबा पास शेख खेरे पूरी बाबा पापा पास शेख खेरी बारा बारा शूरी बारा 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 पूरी खेरी बारा 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 शेख खेरे। ध्यान केंद्रित करके प्रार्थना करो। उनकी इच्छा जानकर आपको भविष्यवाणी करनी है। रखा रहा बारा शेख खेरे बारा 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 होरे बारा बारा शेख खेरे। उनके आगमन का मार्ग आपको तैयार करना है। हर बच्चा अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। पूरी मिया शानदार बारा 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 ईशी खेरी बारा 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 पूरी बिरी शीरी बारा 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 रो रबा शा खरा बारा 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 शा रा बारा बारा बारा। अब हम शांति में इंतजार करेंगे। यीशु पिता अपने रहस्य आपसे उजागर करेंगे, अपना भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रदान करेंगे। आप उसे प्राप्त करो और हमें बताओ उसके बारे में। अब यीशु पिता जिससे भी बात करते हैं और आपको हमें बताने को कहते हैं, आप बता सकते हैं। आंटी यीशु पिता कहते बहुत सारे लोग कमज़ोर है प्रार्थना में, और यही नहीं वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों में उलझे होते हैं प्रार्थना के दौरान। उनकी आराधना कोई नहीं कर रहा है पूरे दिल से और पूरे प्रेम से, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करने को कहा है। आंटी मैंने एक दर्शन देखा कि एक सुनहरा अभिषेक हम सब पर इस तरह से ऊपर से आ रहा है, मतलब हमें प्रदान हो रहा है हम जहाँ पर भी हैं। ठीक है, अब हम सब प्रार्थना करेंगे हमारे विचारों के साथ, पूरी आत्मा के साथ और पूरी शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। लतिका प्रार्थना करने वाली है प्रभु से कि प्रभु का जो भविष्यवक्ता का अभिषेक है यूएल 2:28 के हिसाब से, सब बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको एक भविष्यवक्ता बनाए और हम लतिका के साथ में प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु पिता, स्तुति हो आपकी यीशु पिता। यीशु पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, यीशु पिता पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जो हमारे लिए सोचा है प्रभु, जो सब कमजोर है प्रार्थना में उनको सब खड़े हों और वो चमके, रोशनी उनकी बाहर आए प्रभु। वो उनको अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो आपकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके पूरे दिल से, जिस तरह से सब संत और सब स्वर्गदूत स्वर्गलोक में आपकी आराधना करते हैं प्रभु, उसी तरह से हम सबको अनुग्रह दीजिए, सब बच्चों को, दुनिया के बच्चों को, कि आपको हर पूरे दिल से, पूरे प्यार से, पूरी शक्ति से आपकी आराधना करें। ईश्वर पिता उन्हें कमजोर नहीं होना चाहिए, पर उनको खड़े होके उनको चमकना है प्रार्थना में और शैतान उनको अपनी तरफ ना खींच सके। ईश्वर पिता वो सब ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे रेत पे बनाए हुए घर, पर वो सब ऐसे होना चाहिए जैसे पत्थर पे अच्छा मजबूत घर बनाया हुआ। यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको आपको ढूंढने में मदद कीजिए पूरे दिल से, उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो शैतान के जो भी विचार है वो दूर कर सके, उन पे जीत सके और आपकी आराधना करे पूरे दिल से। यीशु पिता पूरे दिल से यीशु पिता तेरे बर शेरे ले बरा 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 शेरे बरा बरा शेरे बरा 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 ओरे ले जेरे बरे बरे शेरे बरा 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 ओले बरा 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 खोरे बरा बरा खरा 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 बरा बरा ओले बेरे बेरे बेरे। प्रभु बच्चों की सीना को खड़ा कीजिए प्रभु, बारा 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 शेखेरे बाबा बा। प्रभु भविष्यवक्ता को खड़ा कीजिए प्रभु, या बारा बारा बा शेखेरी शेखेरी।
आज ही उनको खड़ा कीजिए प्रभु, रबा 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 शेखेरे 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 उनका निर्माण कीजिए प्रभु, रबा रबा शेखेरी शिखेरी बाबा बाबा लखा लखा लबारा बारा 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 बारा। प्रभु आपने कहा है कि आप बच्चों की प्रार्थना को सुनोगे प्रभु, आज हम हमारी प्रार्थना सुनकर हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपको पूरे दिल से आपकी आराधना करें प्रभु। यीशु पिता शैतान हमारे मन में गंदे विचार ना लाए, यीशु पिता बुरे विचार ना लाए, अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपकी ही आराधना करें यीशु पिता, यीशु पिता आपकी ही आराधना करें हम लोग, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों आप सबने प्रार्थना की ना, आपने प्रार्थना की कि आपके अंदर का अभिषेक ज्वलंत रहे हमेशा। यीशु पिता ने उनके भविष्यवक्ता के शब्द बहुत से लोगों को प्रदान किए हैं और वो आपके अंदर भी है, आपको महसूस होते हैं ना, आपको उन भविष्यवक्ता के शब्दों और दर्शनों को स्वीकार करना है और अरुण मुगल के ईमेल आईडी पर उनके बारे में लिखना है अपने फोन नंबर के साथ, हम आपको फोन करेंगे और विस्तार में पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको भविष्यवाणी करनी है और प्रभु के आगमन का मार्ग तैयार करना है, उसके लिए आपको घुटने टेक कर बहुत दिल से प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है और प्रभु की आराधना करनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ और अगले हफ्ते आपको मिलती हूँ, बाय। Email address arumbugal@angeltv.org